मेरी शॉल जो मैंने ली थी थोड़े दिन पहले, जो बाजी ने मुझे गिफ्ट की थी, मैंने उसके साथ प्लेन सूट स्टिच करवाया है, और सूट वही लॉन्ग लेंथ शर्ट है और पैंट्स है साथ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, हम लोगों ने जाना था एक अपनी तरफ लंच के लिए, तो मैंने उनके घर की भी थोड़ी सी वीडियो उनसे परमिशन के साथ बनाई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और जो लोग पूछ रहे थे कुछ बच्चियाँ के शॉल्स कैसे ले सकते हैं, तो एक तो ये तरीका है, आप शॉल इस तरह से ले सकते हैं, ये क्योंकि मस्टर्ड है मेरा सूट, तो मैंने अपना एमरल्ड ग्रीन क्लचेस के साथ लूँगी। और ये मेरे शूज भी हैं, क्योंकि फॉर्म दिन का टाइम है तो मैं ये पहन रही हूँ इसके साथ। अच्छा, मैं अपने शूज़ का भी आपके साथ एक शू टूर भी इंशाल्लाह आ जाकर मैं रिकॉर्ड करूँगी, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, एक तो आप इस तरह शॉल ले सकते हैं, फिर आप ऐसे भी ले सकते हैं, जो कि बहुत क्लासिक और अच्छा ही स्टाइल होता है, अच्छा ही लगता है। अच्छा, शॉल या दुपट्टा लेते हुए हमेशा से उसके बॉर्डर्स को बराबर कर लें, जैसे मैं करना भूल गई थी, आप ना भूल जाके। ये हो गया, फिर हम इसको साइड पे भी ले सकते हैं। अच्छा, एक और तरीका है, जो कि मैंने पूरी कॉलेज में पूरा टाइम इसी तरह शॉल्स लेती थी, वो था जो मेरा फेवरेट है, जिसमें मैं बहुत कंफर्टेबल रहती हूँ, वो है ऐसे, मुझे बहुत कंफर्टेबल लगता है और आप वॉर्म भी रहते हैं और चारों तरफ से आपकी शॉल भी पूरी तरह से कवर हो जाता है। ये मेरी फ्रेंड का घर है, इसके कुछ क्लिप्स मैंने उसकी परमिशन से आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किए थे। ये उसकी एंट्रेंस है, और एंट्रेंस में सामने ही बहुत प्यारा उसका कोर्टयार्ड है, जो ओपन टू स्काई है, स्काई लाइट वहाँ पर आती है। और ये उसके कॉरिडोर्स हैं इर्द गिर्द, बहुत प्यारे उसने डेकोरेट किए हुए हैं, और बहुत ही मज़े का और बहुत अच्छा लंच साथ में प्रिपेयर किया हुआ था। Thank you very much, Rihanna. मैंने बहुत अच्छा व्हील का कीमा मंगवाया हुआ था, तो मैंने सोचा आपके साथ मीट बॉल्स विद पास्ता की रेसिपी शेयर करती हूँ। ये पास्ता बहुत अच्छा बनता है, और इसमें ये नॉर्मल कोफ्तों की रेसिपी है। इसमें आपने जो कीमा है वो प्याज, लहसुन, अदरक, सूखा धनिया ज़ीरा, रोस्टेड वाला सूखा धनिया ज़ीरा ज़रूर रोस्ट करके तवे पर भून के फिर रखा करें। हरी मिर्ची और हरा धनिया के साथ आपने इसको ब्लेंड कर लेना है, और उसके बाद आपने कुछ इसमें पानी के साथ सोक करके ब्रेड के 5-6 स्लाइस, 4 मैंने डाले हैं इसमें, उसको अच्छे तरीके से आपने स्क्वीज़ करके पानी निकाल के उसको इसमें ऐड कर लेना है। उसकी वजह से बहुत अच्छे मीट बॉल्स ज़रा
नरम और अच्छे बनेंगे। अंडा आपने बिल्कुल मीट बॉल्स में ना डालें क्योंकि वरना वो उसको बहुत सख्त कर देता है। तो ये मैं आपके साथ इसकी रेसिपी बेसिक कोफ्तों की है वो शेयर कर रही हूँ। और सॉस जो पास्ता के अंदर जो मैंने सॉस यूज़ की है वो वाली है जो थोड़े दिन पहले लज़ानिया बनाया था, रागू की सॉस है। उसमें कैचअप ऐड करके और प्याज और लहसुन डाल के आपने वेजिटेबल्स को फ्राई करके और मीट बॉल्स को उसमें दम दे दें और उसके बाद पास्ता के ऊपर स्प्रेड कर दें। बहुत सिंपल सी डिश है और बहुत मज़ा आता है। आजकल इतनी फ्रेश और अच्छी वेजिटेबल्स आई हुई है ना, इनको आप जितना भी यूज़ करें तो आप कम है, मज़ा आता है बहुत। इन वेजिटेबल्स को सीजन की हैं तो इसमें अल्लाह ताला की यकीनन बहुत सारी ऐसी चीज़ें छुपे हुई खासियत होंगी जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होगी। मैंने ये खाना अपने लिए बनाया है और अब मैं खुद ही खाऊंगी। ये बात है कि आपने अपने आप को खुद ही वीआईपी ट्रीटमेंट देनी होती है। और मैं आपको अक्सर कहती हूँ ना कि अपने लिए जो भी आप खुद जो भी चाय वाय पी रहे होते हैं या जो नाश्ता वगैरह जो कुछ पी लेते हैं वो अच्छे कप्स में अच्छे तरीके से लें, तो फिर मैंने ये सोच लें कि सब कुछ अपने लिए खुद ही सेट किया है। क्योंकि आप भी तो ये खाएंगे नहीं, उनको तो सालन और रोटी और देसी खाना पसंद है ज़्यादा। तो मैं ट्राई करती हूँ, फिर आपको बताऊँगी। वैसे मैंने इतनी दफ़ा बनाया हुआ है कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं इसको चख के बताऊँ। मुझे पता है कि मुझे पसंद है और ये अच्छा ही बनता है, तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। अच्छा, वैसे मुझे बहुत खुशी है जो जो लोग भी ट्राई कर रहे हैं ना बेसन की टिक्कियाँ, और मुझे सब जो मैसेजेस करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है सुन के। अच्छा, एक और चीज़ मैंने आप लोगों से कहनी थी कि मैं जो हूँ ना, मुझे बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का नहीं पता। तो बहुत सारे लोग जो मुझे कहते हैं कि हम आपको मैसेज कर रहे थे या कुछ, तो वो मुझे नहीं उसका ज़्यादा पता चलेगा क्योंकि मुझे टेक्नोलॉजी का इतना नहीं पता। अभी जब मेरी बेटी या बेटा कोई आएगा ना, तो फिर मैं उससे समझ के तो फिर मैं ज़्यादा मुझे समझ आ जाएगी चीज़ों को करने की। और साथ साथ मैं लूडो भी खेल रही हूँ। अच्छा, नवीद ने बनाया और बहुत अच्छा बनाया। अच्छा, एक और चीज़, जो मेरा मस्टर्ड वाला सूट है ना, वो हमारे माँ साहब ने बनाया। मैं उनका भी नंबर F7 में है, उनका भी मैं नंबर अपनी वीडियो में चलाऊंगी। तो थैंक यू सबका जो लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं।